विद्वान सबके हृदय में मौजूद लालजी भाई मेहंदीपुरा बालाजी कस्बे के श्री बालाजी संकट मोचन धाम आश्रम में आचार्य संतोष चंद्र पांडेय के सानिध्य में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक लालजी भाई शास्त्री ने कहा कि श्रीमद् भागवत भारतीय संस्कृति और धर्म का विश्वकोश है। जीव को जगदीश में समाहित करने के लिए भागवत का श्रवण जरूरी है। श्रीमद् भागवत भवसागर से जीव को तारकर श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन कराती है। भागवत को आत्मसात करने से ही भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सकती है। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना भागवत को आत्मसात करने से ही साकार की जा सकती है। उन्होंने कहा कि निष्काम कर्म, नान साधना, सिद्धि, भक्ति, अनुग्रह, मर्यादा, निर्गुण सगुण तथा व्यक्त अव्यक्त रहस्यों से श्रीमद् जीव का परिचय कराती है। उन्होंने सच्चे संत के लक्षणों से भी श्रद्धालुओं को अवगत कराते हुए कहा कि जिसकी शरण में जाने से शांति और सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है, वही सच्चा संत है। भगवान को कहीं खोजने की जरूरत नहीं, वह हम सबके हृदय में मौजूद है। अगर जरूरत है तो सिर्फ महसूस करने की, और जिस दिन हमारा मन भगवान की सच्ची भक्ति में लग जाएगा उसी दिन से हमें भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगेगी। भागवत कथा को मान कर्म और वचन से श्रवण करना उसी सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा मार्ग है। कथा में ये नायवेश के क्षेत्रीय निदेशक के एल गुप्ता ने कथा में पहुंचकर कथावाचक लालजी भाई व आचार्य पांडेय का साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान प्रोफेसर रमेश चंद पांडेय, राकेश पांडेय, मनीष ऋषभ समेत कई प्रदेशों के श्रद्धालु मौजूद रहे। टोडा भीम में नकाबपोश बदमाशों के द्वारा व्यापारी पुत्र के गोली मारकर लुटे 2.5 लाख रुपए विरोध में व्यापारियों ने बंद रखी प्रतिष्ठा ने मेहंदीपुरा बालाजी प्रेस रिपोर्ट। मुकेशपुरी मेहंदीपुरा बालाजी कस्बे के टोडा भीम उपखंड कस्बे की कपड़ा मंडी में रविवार को रात्रि 8:30 बजे 2 नकाबपोश बदमाशों के द्वारा कपड़े की दुकान पर बैठे व्यापारी से गाली गलौज कर फायरिंग की। नोटों से भरा बैग लेकर के फरार हो गए। बदमाशों का व्यापारी सतीश चंद्र गोयल के पुत्र लोकेश गोयल उर्फ लक्की गोयल के द्वारा पीछा करने पर उसने बदमाशों को सवाई माधोपुर केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा पुरानी अनाज मंडी में जाकर पकड़ लिया, जिस पर बदमाशों ने देसी कट्टा से उसके हाथ पर फायर कर उसके हाथ को लहूलुहान कर दिया। नोटों से भरे बैग को लेकर फरार हो गए। व्यापारी के घायल पुत्र लक्की को लेकर परिवार जन राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार करके उसे जयपुर रेफर कर दिया। इस घटना का सुनकर कस्बे के व्यापारियों में व लोगों में दहशत का माहौल हो गया तथा कस्बे में यह चर्चा का विषय बना रहा। गौरतलब यह है कि टोडा भीम क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की व प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के चलते खुलेआम लूट, चोरी, वाहन चोरी सहित नशीले पदार्थों की बिक्री चरम सीमा पर चल रही है, जिसके चलते क्षेत्र के लोग परेशान हैं। लोगों ने बताया कि कस्बा क्षेत्र में यह पहली घटना है जब व्यापारी के साथ लूट कर फायरिंग का अंजाम दिया गया, जिसे लेकर व्यापारियों ने सोमवार को बाजार बंद करके विरोध जताया। बाजार बंद पड़े हुए हैं। बाजार में पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर लोगों में चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। फार्मपी के एजेंसी के मालिक सतीश चंद्र गोयल ने बताया कि रात्रि 8 बजे दिन भर की बिक्री को गले से निकालकर बैग में भरकर घर जा रहा था। बदमाशों ने फारिगम कर नोटों से भरा बैग लेकर के फरार हो गए।